क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n. 6 की पावर n मतलब यहाँ पे n नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है. चेक करना है क्या 6 की पावर n एंड हो सकता है विद 0. अगर हम 6 की पावर n की जगह पर अगर हम 1, 2, 3, 4 कुछ भी डालते हैं, 6 की पावर 1 होगा तो 6 आ जाएगा, 6 की पावर 2 होगा तो 36 आ जाएगा, 6 की पावर 3 होगा तो 6 × 6 × 6 यानी 6 × 6 36 × 6 216. तो हर बार लास्ट में 6 आता जाएगा तो 0 नहीं आएगा. ये तो हम लोग को ऐसे ही पता चल रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, इनको बताएंगे कैसे, उस पर आ जाते हैं. तो आ जाते हैं सॉल्यूशन पे. सॉल्यूशन लेट अस टेक सम एग्जांपल. ये एग्जांपल लेके ही क्लियर हो सकता है. लेट अस टेक सम एग्जांपल ऑफ नंबर व्हिच एंड्स विद द डिजिट 0, जो हमारे 0 डिजिट से एंड होते हैं. सबसे पहले क्या हो जाता है हमारा 10. तो 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 5. 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 5. 30 की बात करें तो 30 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 3 × 5. 40 की बात करें तो क्या होगा 2 × 2 × 2 × 5. तो आप देख रहे हैं कि हर एक के फैक्टर में 2 और 5 का होना नेसेसरी है, कंपलसरी है. देंगे हेयर वी नोट दैट Here we note that number ending with the digit 0 has both 2 and 5 इन देयर फैक्टर. इनके फैक्टर में 2 और 5 जरूरी हैं. वेयर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 × 3 की पावर n. तो इसमें क्या रहा 2 × 3 है, 2 × 5 तो है ही नहीं. बस इसी से हमारा प्रूव हो जाएगा. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n. सो दिस इज नॉट पॉसिबल 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज नेचुरल नंबर. ये थ्योरी लिखना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ये नानी की कहानी नहीं लिखेंगे ना थ्योरी, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. तो ये आपका 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया.